नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सही लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इसमें बात करेंगे हाउ टू मेक फिक्सा एलईडी 3D गेट लेआउट। 3D गेट लेआउट कैसे बनाते हैं? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिक्सा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे और वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं हम। अब बात करेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको एलईडी ईडी 2014 सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। दो बार लेफ्ट क्लिक करने पे हमारा ओपन हो गया, ठीक है? अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप कौन सा कंट्रोलर के लिए बना रहे हैं। तो हम T8000 AC कंट्रोलर के लिए बना रहे हैं। आप चाहे T8000 TTL कंट्रोलर के लिए भी बना सकते हैं, उसमें भी 8 पोर्ट होते हैं और इसमें भी 8 पोर्ट होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एलईडी ईडी 2014 सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, और हमारा एलईडी ईडी 2014 सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका, ठीक है? अब आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे आना है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारा T8000 AC कंट्रोलर होता है या आपका T8000 TTL कंट्रोलर होता है, वो एक ही आपको यहाँ पर एक ही IC क्लिक करना है, ठीक है? T8000 WS2811, और एक पोर्ट पे हम निकालेंगे 16x32 का, तो हमारा 512 आएगा। तो आपको यहाँ पर 512 पे क्लिक करना है, ठीक है? हमारा ये हो गया। अब आपको आना है स्टार्ट मैनुअल लेआउट पे। अब जो हमारा जूम इन है तो यहाँ पर इसको जूम आउट कर देंगे। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम बना रहे हैं 3D गेट। 3D गेट कैसा बनता है? 5 पल्लों का गेट होता है, ठीक है? तो 5 पल्ले बनाएंगे और 5 पोर्ट निकाल के आपको बताएंगे दोस्तों। और अगर आपको पॉलीशीट वगैरह, कंट्रोलर वगैरह और फिक्सा एलईडी चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले आएंगे लाइट हॉस्टल में, ठीक है? तो हॉस्टल में खड़े करेंगे इसको। यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइट हॉस्टल में, यहाँ पर आना है। हमारा हो गया है, ठीक है? एक हमारा पिलर हो गया। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस पिलर के ऊपर एक खड़ा होगा, फिर इसके बगल में होगा एक, ये हमारा हॉस्टल में होगा। हम वर्टिकल में करेंगे। वर्टिकल में हम पहले साइड में करेंगे, फिर इसके बाद कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे इसको, ठीक है? तो हमारा 16x32 का है, तो यहाँ पर साइड में कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है? इसमें हमने साइड में कर लिया। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, एरो का बटन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट पे आएंगे, ठीक है? इस तरह इसको यहाँ रख देंगे। ये हमारा हो गया। अभी एक बार और कॉपी करेंगे इसको, फिर यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे वर्टिकल में हो गया, ठीक है? अब आप लोग देख रहे होंगे कि 3 पल्ले हो गए हमारे, ठीक है? अब इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट। अब फिर इसको जो आप लोग देख रहे होंगे, जो हमने पहले ही बनाया था हॉस्टल में पल्ला, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसके बीच में एक पल्ला खड़ा करेंगे, ठीक है? तो ये भी आपको वर्टिकल में खड़ा करना पड़ेगा। तो वर्टिकल में इसको पहले हम एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? कॉपी कर लेंगे, फिर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया। इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि पहला हमने नंबर 1 का पार्ट लिया, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 5 पार्लों का हमारा गेट बन के तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पर आना है लाइट ऑफ पोर्ट।
तो आपको एक पोर्ट पे 512 देना है, तो यहाँ पर 512 क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आना है पोर्ट पे, तो पोर्ट हमारा है, तो इसमें हमारा पोर्ट 1 है, और ये हमारा पोर्ट 2 है, ये हमारा पोर्ट 3 है, ये हमारा पोर्ट 4 है, ये हमारा पोर्ट 5 है। पांच पोर्ट भी यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको यहाँ पर डाटा इनपुट कर देंगे इसमें, आप लोग देख रहे होंगे कि इसको ग्रीन कलर का वायर है, ग्रीन कलर का वायर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा गेट बन के तैयार हो गया। आपको फिजिकली बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हैं, हमने आपको लेआउट बना के बता दिया, आप इसी टाइप का गेट बना सकते हैं, ठीक है। हमारा ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एनालिस्ट पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे नंबर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको सेव कर लेंगे, सेवस पे आएंगे, सेवस पे आने के बाद यहाँ पर करेंगे 16x32 गेट, 3D गेट, 3D गेट। आप चाहें तो इसी तरह का बना सकते हैं, हमने जैसा लेआउट में बनाया है आप फिजिकल बना सकते हैं, ठीक है। पांच पल्लों का 16x32 3D गेट लेआउट, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको बंद करने के बाद यहाँ पर आना है, अब इसका प्रोग्राम करके भी आपको बताएंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे इम्पोर्ट CXBC पर, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा LED 2014 सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, हमारा गेट का लेआउट ये आ गया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि हम इसमें आ गए अपने गेट लेआउट पे, हमने इसमें ओपन कर लिया गेट लेआउट। अब आएंगे इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम करने के लिए आपको आना है वीडियो इफेक्ट में, वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो ओपन वीडियो में, ओपन वीडियो के बाद आपको एक चीज़ रखना है कि आपका फोल्डर कहाँ रखा है, ठीक है, गेट का। तो हमारा वीडियो फोल्डर में रखा है गेट का फोल्डर, तो यहाँ से इसको गेट AVI में आएंगे, और SWR फाइल है हमारी, तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा 3D गेट का चल रहा है डिजाइन, इसमें अच्छी सी डिजाइन डालेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारा पांच पल्लों का 3D गेट है, आप चाहें तो हमसे प्रोग्राम बना के बनवा के ले सकते हैं, या आप खुद बना सकते हैं। और आपको लेआउट बनवाना अगर किसी चीज़ का, 3D गेट, 3D रोड सीलिंग और किसी का भी, तो आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे दिए गए पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको लेआउट वगैरह जो भी आपको बनवाना है बन जाएगा, और फिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए आपको, कंट्रोलर पॉलिसी तो सब मिल जाएगी, ठीक है। और हर प्रकार का प्रोग्राम हमारे पास से बना जाएगा, आपको जो भी प्रोग्राम बनवाना है बनवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। आप चाहें तो इफेक्ट भी हमसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हो गया, अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, छोटा सा ही फाइल बनाएंगे। आप चाहें तो फिर इसको काफ़ी लंबा बना सकते हैं, 10,000 फ्रेम तक, 20,000 फ्रेम तक बना सकते हैं। हम सिर्फ इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कितना बनाना है, इसको हम 734 फ्रेम बनाएंगे ओनली, छोटा सा ये, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, ठीक है। अब इसको न्यू फोल्डर पर आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3D गेट, ठीक है, ये हो गया हमारा 3D गेट। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने न्यू फोल्डर में डाला है, हमारा बन के तैयार हो गया 3D गेट। इसको डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे मेमोरी कार्ड पर, ठीक है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।